good morning students. today we are going to discuss the remaining part of the poem on killing a tree written by patil let's start. no, the root is to be pulled out out of the anchoring earth. it is to be roped tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree, tree exposed. first of all, let us see the word meaning. First word is anchoring, means hold fast, mm -hmm. Snapper means uh, break with a knife, Exposed means be visible, Zahir hona. Meaning, no, not at all. Hacking and chopping cannot cut the tree. In order to kill the tree, it has to be uprooted, that is freed from the grim uh, frame grip of the earth. And for doing so, ropes are wrapped round it and it is pulled out of the earth completely so that its root may come out, leaving a cave like an empty pit in the earth. This action clearly gives the idea of its strength. Meaning, no agar apko. ट्री को मारना है तो आपको उसको खींचना होगा उसे ज़मीन से जिस ज़मीन से उसकी जड़ें को जिस ज़मीन ने उसकी जड़ों को पकड़ कर रखा है उसको रस्सी से कस कर बांध कर खींचना होगा और फिर से टूटने की आवाज़ आएगी फिर आप उस ट्री को मार सकते हैं उस ट्री को आपको पूरी तरह से सारी ट्री को खींचना होगा ज़मीन से जिस ज़मीन की गुफा में वो है वहाँ से उसे उसको निकालना होगा और उस ट्री की ताकत जो छुपी है ज़मीन में उसको बाहर निकालना होगा सेकेंड द दोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, weathering, and then it is done. Word meaning dekh lete source means origin, means zariyat. sensitive means tender, nazuk. scorching means dry up, sukna, choking means stop breathing, damgutna. ब्राउनिंग मीन्स टू मेक समथिंग बिकम ब्राउन बुरा हो जाना हार्डनिंग मीन्स टू मेक समथिंग हार्ड मीन्स सख्त हो जाना ट्विस्टिंग मीन्स टू बैंड टेढ़ा मेढा हो जाना वेद विदरिंग मीन्स विंकल मीन्स मुरझाने वाला ये वो कहता है पॉइंट कहता है कि द रूट्स लुकिंग White in color and wet to touch are the most tender part of a tree because they stay inside the earth for years together. When the root have come out of the earth, the tree lies in the sun. The water inside it starts drying up due to the heat of the sun. Its bark hardens and turns brown. Its leaves get dry, half of and then tree. stops breathing. As a result, its trunks, thick branches and boughs get distorted or covered. Finally, the tree withers away, and this is what we call a tree's death. Means जो उसका origin है, जो उसके white और wet यानी सफेद और गीला जो उसके अंदर होता है, जो सबसे नाजुक जो सालों से उसने छुपा कर ज़मीन में रखा है उसको बाहर निकालना होगा उस नाज़ुक वो चीज़ नाजुक चीज़ है उसके रूट्स उसको बाहर निकालना होगा तभी आप उस पेड़ को मार सकते हैं पॉइंट कहते हैं कि पेड़ को मारने के लिए उस पेड़ की जो नाज़ुक चीज़ें हैं जड़ें उनको ज़मीन के तने से रस्सियों से बांधकर पूरी ताकत लगाकर उसे ज़मीन से बाहर निकालना होगा और उस पेड़ में जो मॉइस्चर है जो उसने सालों से ज़मीन में छुपा कर रखा है उसको बाहर निकालना होगा तभी एक पेड़ मर सकता है फिर बात बनेगी कि जब आपने उस पेड़ को जड़ों से खींच कर बाहर निकाला वो पूरी तरह से सूख जाएगा और उसका दम घुट जाएगा वो सूरज की गर्मी और हवा से उसका रंग भी बदल जाएगा सख्त हो जाएगा मुड़ जाएगा मुरझा जाएगा और फिर वो ख़त्म हो जाएगा जब एक पेड़ को जड़ों से ज़मीन से निकालोगे तो उस वो सांस नहीं ले पाएगा और उसका दम घुट जाएगा और फिर वो सूरज और हवा से उसका तना आ, तना जो है वो ब्राउन हो जाएगा और सख्त हो जाएगा उसके पेड़ की शेप मुड़ जाएगी और वो पेड़ मुरझा जाएगा तो इसका मतलब है कि पेड़ मर चुका है नाउ लेट अस सी द लिटरेसी डिवाइसेस ऑफ द पॉइंट द लिटरेसी डिवाइसेस दैट द पॉइंट हैज़ यूज इन दिस पॉइंट आर एस फॉलोज फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन सेकेंड इज मेटाफर थर्ड इज एंजमेंट फोर्थ इमेजरी फाइव इज राइमिंग स्कीम एंड सिक्स इज़ परसोनिफिकेशन अब पहले हम देखते हैं लिटरेसी डिवाइस होता क्या है लिटरेसी डिवाइसेस वो है जिसको इस्तेमाल करके कोई भी राइटर या पोइट किसी पोइम को या किसी प्ले को लिखता है और ये बहुत ही इम्पोटेंट होता है इसको जानना कि हम इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखते हैं समझ लीजिए कि आप अगर आपको पोइम लिखनी है तो आपको इन लिटरेसी डिवाइस को सीखना होगा तो फर्स्ट वन इज़ एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्या है द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल द ब्लीडिंग बार्क विद हील दोर्स वाइट एंड वेट अगर आपके वर्ड्स सीक्वेंस लाइन में होंगे मतलब बिगनिंग होगा स्टार्ट होगा या फिर एंड होगा उसका जो साउंड होता है वो सेम लेटर से होगा या सेम साउंड क्रिएट करेगा यहाँ से ब्लीडिंग और बारक दोनों एक ही साउंड से अल्फ़ाबिट से आ रहे हैं बी बी से और ये राइम की तरह क्रिएट कर रहा है तो ये एलिट्रेशन है दूसरे में ये वाइट एंड वेट इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू का साउंड आ रहा है ये भी एलिट्रेशन का रेपटेशन दिखा रहा है सेकेंड इज मेटाफर मेटाफर कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बाय स्पीकिंग ऑफ वन इन टर्म ऑफ अनदर फॉर एग्जांपल द ब्लीडिंग बार्क विद हील एंड आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइट मीन्स मेटाफर में एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज से करते हैं यानी कि ब्लीडिंग यहाँ पे लिखा है ब्लीडिंग बारक खून की तुलना पेड़ से की गई है पेड़ में जो दूध निकलता है उससे हम सैप बोलते हैं यानी सैप की तुलना यहाँ ब्लड से की गई है तो ये मेटाफर के रूप में यहाँ यूज़ हो रहा है तो दूसरे सेंटेंस में लेप्रस वर्ड जो है ये इंसानों में एक बीमारी है जिससे हाँ उसके शरीर की बनावट जो है वो ढल जाती है इस लेपरस वर्ड को पेड़ की डाल जब ऊपर से खराब हो जाती है तो उससे उस, उस इसकी तुलना की गई है थर्ड वन इज एंजॉयमेंट वेन सेंटेंस टर्न रन इन टू द नेक्स्ट लाइन विद नो पंक्चुएशन और पास बिटवीन दैम फॉर एग्जाम्पल राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट ईयर वाटर एक सेंटेंस खत्म नहीं हुआ होता और दूसरा सेंटेंस में चला जाता है और दूसरा सेंटेंस तीसरे सेंटेंस में इसी तरह कोई फुल स्टॉप नहीं होता यानी कि आपको फॉर एग्जांपल दिया है राइजिंग अप आउट ऑफ वेट फीडिंग यानी यहाँ पे जो है फीडिंग जो है वो एक फर्स्ट सेंटेंस का वर्ड है लेकिन जाता है दूसरे सेंटेंस की मीनिंग के साथ जुड़ा हुआ है इसी तरह दूसरे सेंटेंस का लास्ट वर्ड है एब्जॉर्विंग ये तीसरे सेंटेंस के साथ इसका मीनिंग जुड़ा हुआ है इसी एंजॉयमेंट कहते हैं निक्स इज इमेजरी इट इज़ द लिटरेली टर्म यूजड फॉर लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्शन दैट अपीयर्स टू अवर फाइव सेंस फॉर एग्जाम्पल ग्राउथ ऑफ द ट्री बाई कंज्यूमिंग न्यूट्रेंट्स फ्राम द अर्थ जैसे एक इंसान में फाइव सेंस होते हैं जैसे आँख आँख से हम देखते हैं कान कान से हम सुनते हैं नाक नाक से हम सूंघते हैं टंग टंग से हम टेस्ट करते हैं और स्किन स्किन से हम महसूस करते हैं, फील करते हैं जिस तरह इस फाइव इन फाइव सेंस से हम कुछ महसूस करते हैं इसी तरह जब हम किसी पोइम को पढ़ते हैं तो हमें कुछ महसूस होता है कि पॉइट इस पोईम में किस की तरफ इशारा कर रहा है तो उसे इमेजरी कहते हैं जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है कि बच्चे को बड़ा होने में न्यूट्रिय लेता रहता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स लेने से वो उसकी बनावट होती है उसी तरह एक ट्री को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वो ये न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से लेता है सूर्य से लेता है और तो इस तरह से इमेजरी का यूज़ किया गया है इस पोईम में नेक्स्ट इज रिंग स्किन रेपुटेशन दैट इज़ क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ द पोएट्री टू क्रिएट म्यूजिकल साउंड राइमिंग्स की वो होती है जिस पोइम के लाइन के लास्ट वर्ड की साउंड सेम निकले इस पोइम में राइमिंग स्कीम नहीं है क्योंकि ये एक मॉडर्न पोइम है इसे हम कह सकते हैं मॉडर्न पोइम ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है पहले राइमिंग स्कीम से ही पोइम लिखी जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है there is no rhyming scheme in this poem because it is written in free verse. last one is personification, giving a human trait to something non-human. personification का मतलब है कि इंसान की तरह किसी चीज़ को इंसान के साथ कंपेयर करना, जैसे इस पoइ में एक tree को इंसान के साथ पेयर किया गया है कि, कि जिस तरह से एक इंसान जन्म लेता है फिर वो न्यूट्रिएंट्स लेके वो बड़ा होता है और फिर मर जाता है इसी तरह एक पेड़ सीड से पैदा होता है न्यूट्रिएंट्स लेता है वो बढ़ता है और फिर उसे काट दिया जाता है और वो मर जाता है ट्री को ह्यूमन बींग से जोड़ा गया है तो यही होती है परसोनिफिकेशन सो आई थिंक यू मस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो